गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लव्या। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बनाना फेशियल। तो आप जैसे कि आप लोगों को पता ही है डियर कि जो फेशियल होता है मंथ में एक बार जरूरी है, वो आपकी स्किन को डीप क्लियर कर देता है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हर किसी को जो है बाजार की जो किट होती है, बाजार का फेशियल जो है सूट नहीं करता। कुछ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते क्योंकि आप मार्केट में आप जाते हो 100-200 की तो किट ही आ जाती है। ऊपर से आप जब उसको पार्लर में कराते हो तो 100-200 ऊपर से लग जाते हैं, या फिर आप पूरा पार्लर में कराते हो तो आपके 500-600 जो है फेशियल पर आराम से खर्च हो जाते हैं। तो जैसे कि मैं हूँ, मुझे जो है मार्केट की जो किट होती है बिल्कुल मुझे सूट नहीं करती है, मैं बिल्कुल उसको ट्राई नहीं करती। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं कभी भी आई थिंक मैंने लास्ट टाइम जो है फेशियल अपनी मैरिज में करवाया था, उसके बाद मेरी सिस्टर की मैरिज में करवाया था, मैं बिल्कुल भी बाहर से जो है फेशियल नहीं करती हूँ। तो उनके लिए मैं लेके आई हूँ आज बनाना फेशियल। और ये जो फेशियल है मैं खुद करती थी शादी से पहले, बट मैं सिर्फ और सिर्फ ये बनाना के साथ करती थी। इसमें मैंने अब जो मैं फेशियल करने जा रही हूँ इसमें मैंने 3-4 चीज़ें ऐड की है ताकि आपको जो है 3-in-1 मिल जाए। आपको अलग से क्लिनजिंग ना करनी पड़े, अलग से फेस पैक ना लगाना पड़े। तो 3-in-1 मैं आज लेके आई हूँ, एक में ही आपका सारा काम हो जाए। इस गोइंग वुमन होती है, गर्ल होती है, गर्ल्स होती हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता यार कि वो घर पे जो है ये सब चीज़ें 2-2-3-3 स्टेप्स जो है फॉलो करें। यहाँ तक कि जो हाउस वाइफ्स होती है, मैं हाउस वाइफ हूँ, मुझे भी इतना टाइम नहीं मिलता यार। आप लोगों को भी पता होता है सुबह से लेकर दोपहर तक तो काम ही निकल जाता है, दोपहर का टाइम रेस्ट करने का होता है। उसमें भी आप जब ये 2-3 चीज़ें ट्राई करोगे तो आपका तो आराम करने का टाइम गया ना। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ एक ही स्टेप में जो है फेशियल करूंगी। और ये मैंने जो पेस्ट बनाया है तो पहले आप देख लो कि ये मैंने कैसे बनाया है। ये फेशियल बनाने के लिए आप देख सकते हैं मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। मैंने लिया रो मिल्क। रो मिल्क जैसे कि आपको पता है कि आपके जो फेस की क्लिनजिंग करेगा। आपके पास रो मिल्क नहीं है तो आप बॉयल ले सकते हैं, लेकिन उसको ठंडा करके लेना है आपने। और मैंने उसका लिया है शुगर, चीनी लिया मैंने। ये जो है आपका नेचुरल स्क्रबिंग का काम करता है, स्क्रब करेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले ही कि मैं जो है 3-in-1 करूँगी, मैं कोई अलग से क्लिनजिंग नहीं करूँगी, अलग से कोई स्क्रब, अलग से कोई फेस पैक नहीं बनाऊँगी, 3-in-1 करूँगी। तीनों चीज़ें जो है मैं एक साथ करूँगी। इसके स्क्रबिंग के लिए मैंने शुगर लिया है। और मैं लूँगी हनी, हनी मैंने डाबर के लिए, आप चाहे जो मर्जी हनी ले सकते हैं। हनी में जैसे कि आपको पता है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, आपके जो दाग धब्बों को दूर करेगा, स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, स्मूथ बनाएगा। मैंने लिया है बनाना, बनाना मैं हाफ लूँगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि बनाना जो हमारे स्किन से दाग धब्बे, अगेन ये भी दाग धब्बे हटाएगा, आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर बना देगा। तो और मैंने लिया है ये बेसन, बेसन में ऑप्शनल है। अगर इस फेशियल की जो पेस्ट की कंसिस्टेंसी अगर थिन होगी, पतली होगी, तो मैं तभी इसको ऐड करूँगी, ये ऑप्शनल है। और अब मैं इसको जो है बनाती हूँ। मैंने ये बाउल लिया है, इसके अंदर मैं जो है डालूँगी हाफ बनाना और इसको मैं फोक की हेल्प से मैश करूँगी। आप चाहे तो इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, बट इतनी सी बनाना को ग्राइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो आप फोक की हेल्प से अच्छे से कर पाएंगे। इससे अच्छे से ये मैश हो जाएगा। पेस्ट जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, ये देखिए हल्का मोटा भी रहता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसके अंदर मैं थोड़ी सी शुगर ऐड करूँगी, देन रो मिल्क एंड हनी। सब कुछ थोड़ा थोड़ा ऐड करूंगी ताकि ज़्यादा पतला ना हो जाए पेस्ट। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा ग्राम फ्लावर, ताकि जब हम इसका फेशियल करें ये पेस्ट जो है नीचे ना गिरे और हम इसको जो है अच्छे से अप्लाई कर सकें। जैसे कि आप सब देख चुके हो कि ये फेशियल मैंने कैसे बनाया है। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको अपने किचन में मिल ही जाएंगे। और बनाना मैंने हाफ बनाना लिया है, आपने भी सिर्फ हाफ लेना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक ले लेना है आपने दो लोगों के लिए बनाना है तो। और ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, ये ज़्यादा ना ही थिक है ना ही ज़्यादा ये पतला है। तो अभी मैंने वाइट ड्रेस पहनी है आज मैंने, चलो मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं कपड़े चेंज करूँ। आई होप कि ये गिरे ना मेरी कुर्ती पर। तो
इसको जो है सर्कुलर मोशन में चलाना है अपने हैंड्स को, बिल्कुल हल्के हाथों में, हल्के हाथों से। जिसके पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब चीज़ें ऐड करें, खाली जो बनाना है उसको भी, उसके साथ भी आप ये फेशियल कर सकते हैं बिना कुछ ऐड करे हुए। मैं शादी से पहले ऐसे ही करती थी। अब आप ये देखिए कि मिल्क जो है आपकी स्किन को क्लींस कर रहा है, साथ में जो शुगर है वो स्क्रबिंग का काम कर रहा है। तो सारे प्रोसेस जो है साथ हो रहे हैं, आपको कोई झंझट की ज़रूरत नहीं है, तीन तीन बार कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने जो है अपना फेस पहले वॉश कर लिया था, मैंने कुछ अपने फेस पे अप्लाई नहीं किया हुआ, बस मैंने लिप्स पे जो है हल्की सी बाम लगाई हुई है, बाकी मेरे फेस पर कुछ भी नहीं था। आप जब भी कुछ भी फेशियल करें, कुछ भी करें, आप पहले अपने फेस को वॉश कर लें, क्योंकि जब भी आप कुछ भी स्क्रबिंग करती हैं तो आपके पोर्स जो है ओपन हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो फेस की गंदगी है वो अंदर जाने का उसका डर रहता है, इसलिए जब भी आप स्क्रबिंग करें तो अपने फेस को जो है अच्छे से वॉश कर लें। इसको 10-15 मिनट तक आपने अच्छे से करना है, और 10 मिनट तक फिर इसको आपने फेस पे रखे रखना है, थोड़ा सा ये ड्राई हो जाएगा, उसके बाद जो है फेस वॉश कर लेना है। मैं स्क्रब करने के बाद जो है क्लींजिंग करने के बाद इसको 10 मिनट अपने फेस पर रखने वाली हूँ, तो मैं जब स्क्रब हो जाएगा तब मैं आपसे मिलती हूँ। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं फेस वॉश करके आ गई हूँ और मेरी स्किन में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, यू कैन सी द शाइन। मैंने फेशियल करने के बाद जो है फेस पैक उसको लगा के रखा था 10 मिनट तक, सेमी ड्राई हो गया था, तब मैंने उसको जो है वॉश कर लिया था। बहुत मस्त फेशियल है यार। गाइस प्लीज़ मेरे कहने पे आप जो है एक बार ये फेशियल ट्राई करके देखो। मैंने देखिए अभी तक अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाया, जब जस्ट लिपस्टिक अप्लाई की, और अभी देख सकते हैं थोड़ा सा ड्राई भी हो रखा है यहाँ से, तो आप खुद ही देख सकते हैं ग्लो। तो एक बार जरूर ये फेशियल ट्राई करिए, कुछ भी नहीं लगना है आपका। अगर आपको वर्क नहीं भी करता है तो आपका कुछ नहीं जानना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।